is in the van. कहाँ सत्य? बताओ कहाँ सत्य? बताओ कौन कहाँ सत्य? कौन सत्य? जल्दी बता। ए, बताएगा कि नहीं? मुझे नहीं पता सत्य कौन है। Then it's time for you to die. रुको। रॉ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? अपने पापा जैसा बनना है। क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? मेरे पापा मेरी ताकत है। देश के लिए ज्वाइन करना है। CBI, NII, IB, Foreign Affairs, 174 applications, किसी को नहीं छोड़ा। एक अनजान लड़की की मदद करोगे या नहीं, ये तुम्हारा एक मोमेंटरी टेस्ट था। सत्या के बारे में बताओगे या नहीं, ये तुम्हारा दूसरा टेस्ट था। दोनों पास कर गए तुम। यू हैव ऑल द क्वालिटीज, लेकिन यू लैक वन थिंग, टेक्निक। लोकेशन कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे फोन पर भेजे हैं। टुमारो 10 AM शॉप। हेलो हेलो, अरे सुनिए, आपने नाम नहीं बताया। आप सब हैं कौन? हेलो हेलो, हैप्पी बर्थडे पापा। यू हैव अराइव्ड एट योर डेस्टिनेशन। ये टेलर मैन क्या है? Excuse me, hello? सर ये बहुत अच्छा मटेरियल है, आप देखिए। Excuse me, ये एड्रेस? ऑल्टरेशन रूम में जाओ। Excuse me? Hi. नाम क्या है? अर्जुन, अर्जुन कुमार। पूछते ही बता दिया? आप ही ने पूछा तो मैं बोलूंगा तो छत से कूद जाओगे क्या? बच्चों को रिक्रूट करेंगे तो ऐसा ही होगा। खड़े हो जाओ। Okay. हो गया, यहां पर खड़े हो। ठीक से खड़े हो? स्टैंड डायरेक्ट, सीधा खड़े हो जाओ। इसे मेरा नाम आधार कार्ड के कैमरे में देखा है ना? कूल, वेरी कूल। चलो, नाइस। इस तरफ। ये क्या है? चुम्मा चाहिए क्या? ब्लडी फूल। चले आते हैं। Speed up, God damn it! चलो। श्याम। Voice not recognized. इसकी तो श्याम। Voice recognized. Code accepted. कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म लगती है। बॉन्ड जितना बजट नहीं है। Proceeding to level beta. कितना नीचे जाना है? जितना बोरवेल से पानी निकल सकता है वहां देखो। तुम्हें क्या करना है? बैंड अप। बैकग्राउंड चेक में तो नहीं था? अभी आया। शे, ये सब टेलरमैन दुकान के नीचे है? यकीन नहीं हो रहा। टेलरमैन ही इसके ऊपर है, भरोसा करना पड़ेगा। असली नेशनल सिक्योरिटी यही है। हाय सर। हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। थैंक यू एंड सेम टू यू। ओके, ऑफिस में बैठो। पिसिंग माय बट। गोक्स। गोक्स? गोक राजू बोलकर टॉप 10 में रहता था, बॉस की बीवी को छेड़ा था, फिर यहाँ आ गया। तुम? आई एम द बॉस। दिस इज अ फर्स्ट ओरिएंटेशन, तो कुछ कहने से पहले। यू आर लेट। लिफ्ट थोड़ी स्लो थी। इज देयर एनीथिंग फनी? सॉरी सर। अगले 20 मिनट में तुम में से कोई भी मर सकता है, और अगर 20 साल जी गए तो शायद तुम किस्मत वाले होंगे। डिटेल्स बताने से पहले फाइल में कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर साइन कर दो। यहाँ के सीक्रेट्स यहीं रहेंगे, और तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है। मरने के लिए तैयार हो ये सोचकर साइन करना।
इंडिया को बाहर से प्रोटेक्ट करने वाला रॉ है, अंदर से प्रोटेक्ट करने वाला आईबी, पुलिस, बॉर्डर पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब को कोऑर्डिनेट करने वाला एक ही है। त्रिनेत्रा। साउथ इंडिया में पिछले साल आए 40,000 रॉ एप्लीकेशंस में से 800 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है। उसमें से सिर्फ 6 कैंडिडेट्स को त्रिनेत्रा के लिए सेलेक्ट किया है। सो व्हाट इज त्रिनेत्रा? रॉ इंडिया में फंक्शन नहीं होता, आईबी इंडिया से बाहर नहीं जा सकता, त्रिनेत्रा कहीं भी जा सकता है। वी कैन ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर बिकॉज नोबडी नोज वी एग्जिस्ट। कोई नहीं जानता कि हम हैं। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं है। वी रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। हमारा काम इन्फिल्ट्रेट, दुश्मनों से हाथ मिलाना, इन्वेस्टिगेट, उनके रहस्य जानना एंड इन्फॉर्म द HQ, द थ्री आईज, त्रिनेत्रा। 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद त्रिनेत्रा शुरू हुआ था, लेकिन 1995 में हुए सबसे बड़े डेटा ब्रीच में एजेंसी की सारी इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी। उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हमारे बेस्ट ऑफिसर को मार दिया गया। उसके बाद से त्रिनेत्रा नहीं है। 26/11 मुंबई अटैक्स के बाद प्राइम मिनिस्टर को समझ में आया कि हमारे दुश्मन सिर्फ बाहर ही नहीं, हमारे बीच भी हैं। तो दोबारा त्रिनेत्रा की जरूरत महसूस हुई। कल तक सिर्फ दिल्ली और मुंबई में ही हमारे बेसिस थे, और अब हैदराबाद भी हमारा बेस बन गया है। और कुछ? मतलब सर, इतनी सीक्रेट लोकेशन में इतने सीक्रेट्स ओपनली बता रहे हैं, अगर कोई बाहर बता देगा तो? 2 साल पहले तुमने पहली बार रॉ की एप्लीकेशन भेजी थी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से, तब तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी जेनिफर। हाँ? 2 महीने पहले तुमने इस बात की परवाह नहीं की, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया गया। 2 दिन पहले तुम एक नाइट क्लब में एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, उस लड़की ने तुम्हें भाव नहीं दिया, तुम्हें बुरा लगा, तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया। 2 मिनट पहले लिफ्ट में शाम ने तुमसे मजाक किया कि बोरवेल यहाँ तक आ सकती है, और तब तुमने उसे गाली दी। तुम्हारे जोक्स और हंसी के पीछे एक सीरियस इंटेलेक्ट है। तुम्हारा ह्यूमर तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज्म है। ये सब तुमने एप्लीकेशन में नहीं बताया, बट वी नो त्रिनेत्रा इज ऑलवेज वॉचिंग अर्जुन। हमेशा नजर बनी रहती है। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। तो इसके आगे इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तुम्हें 3 चीजों की ट्रेनिंग दी जाएगी। साइबर वॉरफेयर, दुनिया में जिस भी डिवाइस में माइक्रोचिप है उसे यहां से एक्सेस कर सकते हैं। कॉम्बैट एंड टैक्टिकल वेपन लाइक गन्स, बॉम्ब्स एटसेट्रा। मार्शल आर्ट्स एंड फाइनली कॉवेट ऑप्स, अंडरकवर ऑपरेशंस। कहां सर? इंसानों के बीच। कई लोगों के बीच मौजूद रहकर भी हमारी पहचान छुपाना ही हमारी ताकत है। ट्रेनिंग में तुम्हारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के हिसाब से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सेलेक्ट करेंगे। कोई वीकनेस ना हो तो? पर लीना कैसे? That is, I'm your combat trainer. Krav Maga is a martial art. It is an Israeli defense technique. Excuse me. उस दिन आपने नाम नहीं बताया। फर्स्ट लेसन गाइस, हमारा अटैक हमेशा दुश्मन को सरप्राइज लगना चाहिए, तभी हमारे पंच में किक होगा। नादिया, नादिया कुरैशी, लेट्स वार्म अप। 1, 2, 3, 4, गुड, नेक्स्ट। इन अरबिक वी राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर लाइ डिटेक्टर को चीट करना है तो पोस्चर सही रखना चाहिए, नो परस्पिरेशन। कंप्यूटर्स, गुंधा हुआ आटा। गुंधा हुआ आटा? गुंधा हुआ आटा का मतलब चपाती बिल्कुल नहीं होती, स्ट्रेंथ होती है। ब्रीदिंग शुड बी रिलैक्स्ड, ब्लड प्रेशर पल्स नॉर्मल। क्लास सर्वर फायरवेल को हैक करने के लिए तुम्हारे पास एग्जैक्टली 10 मिनट्स हैं। हार्ट रेट बदलनी नहीं चाहिए। गो 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 गो। तुम त्रिनेत्रा में काम करते हो? नहीं। मोहम्मद, पता है कैसे करते हैं? डांसर बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। गुड, फिनिश कर दिया। अर्जुन,
डिबग करो, बग नहीं। वो अच्छा लगता है क्या? उसका फ्यूचर अच्छा है? अच्छा नहीं लगता? नो अर्जुन, लेट्स स्टिक टू द सब्जेक्ट। सॉरी सर। समझो कि ये सब एक क्लॉक है। पहले डायरेक्शंस का पता कर लो। मेरे पीछे 12 o'clock, तुम्हारे पीछे 6 o'clock, 3 o'clock, 9 o'clock। तो बताओ क्या देखा? मेरे राइट में दो दाढ़ी वाले इंसान हैं, पीछे दो लड़कियां चूड़ीदार में हैं। वहां लेफ्ट में एक आदमी लेदर जैकेट पहनकर बैठा है। गुड। इनमें से कोई भी टेररिस्ट हो सकता है। सोचो, इतनी गर्मी में लेदर जैकेट पहनकर उर्दू पेपर लेफ्ट राइट पढ़ रहा है, लेकिन क्यों? रिमेंबर द थ्री आईज। फर्स्ट इन्फिल्ट्रेट, इनसे मिल जाओ। सेकेंड इन्वेस्टिगेट, पता करो। एंड थर्ड इन्फॉर्म, आपको बताना है। आप बिल्डिंग में नहीं है? मैं कुछ हेल्प कर दूं? थैंक यू सो मच। आपका नाम? अर्जुन। सामने वाला फ्लैट। ओके, समीरा, ये फ्लैट। कॉफी? या श्योर, यस। नाइस। तुम्हारा घर और मेरा घर एक ही जैसा है, बस मेरा घर थोड़ा सा। ब्लैक कॉफी चलेगी ना? हाँ, या श्योर। कैसी लगी? अच्छी है। तुम भी? व्हाट? अच्छे हो। जब कॉफी बना रही थी तब मुझे देख रहे थे ना, तुम जो सोच रहे थे मैंने वो कह दिया, यही डिफरेंस है। इट्स ओके, पहचान बढ़ेगी तो आदत हो जाएगी। क्या सोचा और क्या कह दिया, क्या होगा ये भी बता दिया। और कुछ? वो नहीं आता है, ये आता है। एमएस साइकोलॉजी हार्वर्ड। पैदा कोलकाता में हुई, जुलाई 29th जोडियक साइन लियो, फली हूँ वाइजैक में, हार्वर्ड में एमएस किया है, हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड यू, व्हाट डू यू डू? अनजान लड़कियों से बात करने के अलावा। टेलर मैन। हाँ। तुम्हें कपड़ों का पागलपन कब से होने लगा? डैड, आप नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं? जॉब क्या है? फ्लोर मैनेजर। मतलब? मतलब अगर फ्लोर पर कुछ गिरे तो उठाने का ऑर्डर देता हूँ, प्लस अकाउंट्स, इन्वेंटरी, बहुत कुछ है। अच्छा, कार में बैठो। हम राज मंडरी जा रहे हैं। What? क्या हुआ? तुम्हें लगता मैं नहीं जानता? मैंने त्रिनेत्र छोड़ा है, त्रिनेत्र के दोस्तों को नहीं। I didn't want this for you. But dad, this is what I want. Then change what you want. मर जाएगा तू, like your father. मुझे डर है कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। लेकिन कब तक? कोई देख ना ले इसीलिए ऐसे बाहर मिलना, फोन ट्रेस ना हो इसीलिए पब्लिक फोन से फोन करना। मैं नहीं बता सकता। अगर वहां तुम्हें कुछ हो जाए तो देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा, दैट्स इट। देश के लिए डैड। डैड, शायद अब आप वो फीलिंग भूल गए होंगे, लेकिन आप जानते हैं मुझे हमेशा से यही करना था, जाना होगा। छुपने के लिए अब मैं कोई बच्चा नहीं हूं। कल सुबह आप ही के दोस्तों के साथ ट्रेनिंग है। बाय राजू। हे, अभी के लिए मैं टेलर मैन कंपनी में काम कर रहा हूं, लेकिन बचपन से ही मेरा पापा की कंपनी ज्वाइन करने का सपना रहा है। यू मीन डैड राजमंडरी में रहते हैं? या डैड, उनकी कंपनी की ट्रेनिंग को मैं लाइटली ले रहा हूं। सवाल यह है कि क्या मैं उसके लायक भी हूं? ये सवाल उनके लिए है या तुम्हारे लिए अर्जुन? ओके, तुम्हारा गोल क्या है? उस कंपनी को ज्वाइन करना। I'll tell you something.
बचपन से ही हार्वर्ड जाने का सपना था मेरा, बहुत मेहनत की। आई गॉट द एडमिशन, आई वॉज सो हैप्पी। थर्ड ईयर में डीन का लेटर आया था, ग्रेड्स काफी नहीं है, मार्क्स अच्छे नहीं है, कॉलेज से निकाल देंगे। मुझे लगा मेरा सपना मैं खुद सीरियसली नहीं ले रही, तब रियलाइज हुआ मेरा सपना हार्वर्ड में ज्वाइन होना नहीं, हार्वर्ड डिग्री के साथ ग्रेजुएट होना था। अब बताओ तुम्हारा क्या गोल है? तुम्हारे पापा की कंपनी में ज्वाइन होना ही है ना? Hi guys. तुम्हारा गोल क्या है? तुम्हारे पापा की कंपनी में ज्वाइन होना ही है ना? पापा की तरह देश की रक्षा करना। बलून शूट करें? Yeah, sure. तो क्या देखा? वहाँ नीचे 9 o'clock दो लोग हैं। मेरे राइट साइड 3 o'clock एक आदमी बैग प्लांट करके गया है। नेक्स्ट पान के ठेले के पास और जनरल स्टोर के पास। आपके पीछे 8 o'clock किसी की फोटो ले रहा है, सेल्फी तो नहीं ले रहा, सामने कोई नहीं है, मतलब बिल्डिंग की फोटो ले रहा है। गुड सर, एक मिनट, पहले हम दोनों बैग के साथ आए थे लेकिन आपने अपनी बैग छोड़ दी, मतलब आप भी 100%। कैसे? काउंटर स्ट्राइक? क्या? वीडियो गेम है। डन सर। वेरी गुड। हेलो समीरा, तुम टेलरमैन में ही काम करते हो ना? मैं यही हूँ, तुम कहाँ हो? ऑल्टरेशन रूम में हूँ। कहाँ हो? सर अभी आता हूँ सर। तुम ऑलरेडी यहीं पर हो? तो जाकर आता हूँ। ए लड़कियाँ सभी को दौड़ाती हैं। ऑल्टरेशन रूम दिखा नहीं दे रहा, कहाँ हो? आ रहा, आ रहा। इतनी मेहनत किसके लिए हो रही है? कौन है अंदर? ये तुम्हारे डैड है क्या? हेलो अंकल। हेलो, कैसे हैं आप? कुछ अच्छे कपड़े मिलेंगे? जरूर मिलेंगे, आइए दिखाता हूँ। क्या कहा उन्होंने? कहा अपने फ्रेंड से मिलवा दो। हे, मैं कैसा लगा? आई डोंट नो। अर्जुन, I think he likes you. तुम क्या लोगे? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। लो पहुंच गए। जाती हूँ। जाती हूँ नहीं, फिर मिलेंगे। ठीक है, बाय। मेरे फ्लैट में जा रही हो? हे, चीटा। आचार्य जी ने गाइडलाइंस भेजी हैं, प्रोपगेटिंग सिस्टम सर, अर्जुन एंड मोहम्मद आर लीडिंग। ठीक है, देखते हैं कि इस बार नंबर किसे देंगे। इतना ही दम है, दुश्मनों को क्या मारेगा, तू भी अपने पापा की तरह ही मारेगा। अर्जुन, आई ओके? क्या अल मुजाहिदीन ने तुम्हारे पापा को मारा था? नो। सॉरी सर,
पता नहीं उसे मेरे पापा के बारे में कैसे पता चला। मैंने ही बताया था। I wanted to test you. 174 applications में से तुम्हारे पापा के बारे में छिपाए गए मैटर को 175th application में बता दिया गया। इसका मतलब वो तुम्हारी वीकनेस है, जिसे तुम हिम्मत करो वो तुम्हारी कमजोरी है। पापा नाम की कमजोरी को पार कर पाओगे तभी देश बचा पाओगे। नाम के त्रिनेत्र ऑफिसर, मतलब तुम्हारे पापा को बेरहमी से मारकर तुम्हें अनाथ बना दिया। मेरे पापा त्रिनेत्र ऑफिसर नहीं है, बैंक ऑफिसर है।